अबे यार क्या कोरियन ड्रामा बनाते हैं यार ये लोग, ऐसे ही दुनिया पागल नहीं होती जा रही। अब मेरी बारी है, कोरियन ड्रामा तो मैं बना नहीं सकता, मैं बनाऊंगा कोरियन चीज बन। तो करते हैं तैयारी कोरियन चीज बन के साथ। तो कोरियन चीज बन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास मैदा है। मैदा के अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। तो आज भी मैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का मतलब है कि आप इसे डायरेक्ट मैदा के अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि नाम बताता है। तो करते हैं इसको ऐड। इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ऐड करने के बाद उसके अंदर मैं डालता हूँ हमारी रेगुलर ग्रैनुलेटेड घर पे जो चीनी है वो। ड्राई इंग्रेडिएंट सारे हो चुके हैं, फ्लावर, सोल्ट, शुगर एंड इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट, जिसमें है पानी और ऑयल। फिर उसकी करेंगे नीडिंग की शुरुआत। नीडिंग करेंगे, नीड करने के बाद बताता हूँ कैसे बनेंगे हमारे आज के कोरियन चीज बन। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स होने के बाद इसके अंदर ऐड करते हैं वाटर, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हमारा ऑयल। सारे इंग्रेडिएंट्स जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, मतलब हमारा लिक्विड ड्राई इंग्रेडिएंट जब एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, तब हम इसकी नीडिंग शुरुआत करेंगे। एक बार सबको अच्छे से कंबाइन कर लेते हैं बोल के अंदर ही, फिर बाहर लेकर आते हैं इसे नीडिंग के लिए। लो जी, तो सारे इंग्रेडिएंट कंबाइन, इसको टेबल पर लेकर आता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं टेबल पे, और उसके बाद इसको टेबल पर लेकर आएंगे और इसकी नीडिंग शुरू करेंगे। हमें चाहिए एक सॉफ्ट डो। सॉफ्ट डो के लिए जब भी थोड़े पानी की ज़रूरत हो, स्प्रे बोतल नहीं तो थोड़ा सा पानी साइड में रख लो, और उसे नीड करते करते उसके अंदर हम लोग डालते जाएंगे। तो इसकी करते हैं नीडिंग शुरू। एक सॉफ्ट डो की जरूरत है, तो जब भी लगे थोड़ा सा पानी ऐड करने की जरूरत है तो पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर। सॉफ्ट डो कंसिस्टेंसी हमें इसके अंदर चाहिए, तो थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो हमारी नीडिंग हो चुकी है, लगभग इलास्टिक सॉफ्ट डो हमें मिल चुका है। पानी जब जब जरूरत है पानी डाला हमने, और ये नीडिंग हो चुकी है। लगभग 7 से 8 मिनट इस नीडिंग में लगते हैं। डो को रखते हैं यहीं पर और कवर करके रखेंगे इसे। वेट करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट, जब तक ये डेढ़ गुना नहीं हो जाता। डेढ़ गुना होने के बाद इसकी करेंगे हम शेपिंग। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो शुरुआत करते हैं हमारे डो को डिवाइड करने की, क्योंकि ये लगभग 15 मिनटों बाद डेढ़ गुना हो चुका है। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में, और उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे, राउंड बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि हमें बनाने हैं बंस। तो ये रेसिपी को आप बर्गर बंस बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो एक तीर दो निशाने, बर्गर बन बनाना है यही रेसिपी से बनाएंगे। कोरियन चीज़ बन बनाना है तो एक स्टेप आगे बढ़कर उसे कोरियन चीज बन बनाएंगे। तो पहले इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं और बंस बना लेते हैं हम इससे। लगभग 80 ग्राम्स की बॉल्स बनाएंगे हम लोग।
चार लगभग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद राउंड बोल्स बनाएंगे, और राउंड बोल बनाने के बाद रखेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर, इंतज़ार करेंगे इसके डबल होने का। जब ये डबल हो जाएगा तब हम करेंगे इसकी बेकिंग 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 22 मिनट के लिए। तो पहले चार इक्वल राउंड बोल्स बना देते हैं और उसके बाद रख देते हैं प्रूफिंग के लिए। प्रूफिंग के लिए इसे एक बार फिर से रूम टेम्परेचर पर रखना है, मगर ये ध्यान रखेंगे कोई भी पतला सा कपड़ा, कॉटन का क्लोथ, मसलिन क्लोथ से कवर करके रखना है। ये सूखना नहीं चाहिए, अगर ये सूख गया तो ये उठेगा नहीं, ये रेज नहीं होगा और हमारे बंज हल्के नहीं बनेंगे। तो ढककर रख दिया इसे, जब तक ये डबल नहीं हो जाता। डबल होने के बाद इसकी करेंगे बेकिंग 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 22 मिनट के लिए। तो जब तक हमारे बंज प्रूफिंग में हैं तब तक हम फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लेकर आते हैं हमारे क्रीम चीज, मेयोनेस, कोरिएंडर एंड गार्लिक। मिक्स करते हैं चारों इंग्रेडिएंट को एक साथ। तो सबसे पहले मिक्सिंग बोल में डालते हैं हमारा क्रीम चीज। क्रीम चीज के बाद हम डालेंगे मेयोनेस। कोरिएंडर लीव्स एंड ऑल्सो गार्लिक क्लोव्स, जिन्हें चॉप किया गया है बारीक। इन्हें अच्छे से करना है मिक्स। नो सीजनिंग, नो मसाला, नो चाट मसाला, नो नमक, नथिंग, ओनली फॉर इंग्रेडिएंट कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक क्लोव्स, मेयोनेस, क्रीम चीज। इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। तो ये हमारी मिक्सिंग हो गई है चारों इंग्रेडिएंट की और हमारा फिलिंग है रेडी। इसे रखते हैं फ्रिज में जब तक हमारे बंस तैयार होकर आते हैं। तो रखते हैं फ्रिज में। तो जी 25 मिनट हो चुके हैं, बात मिनटों की हालांकि बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो ये देखना था कि ये डबल हो जाए तब हम इसकी आगे की कार्रवाई चालू करें। तो लगभग 25 मिनट हो गए हैं और हमारा बंस डबल हो गए हैं। अब मैं इन्हें डालूंगा बेकिंग के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 से 22 मिनट के लिए। कोरियन चीज फिलिंग तैयार है? तैयार है। बंस बेकिंग के लिए तैयार है? तैयार है। आने के बाद देखते हैं बाकी का काम कब, कैसे, कहाँ, क्या। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे बंस हो गए हैं बेकिंग के बाद तैयार। निकालते हैं इन्हें और रखेंगे हमारे वायर रैक पर। और वायर रैक पर रखने के बाद इन्हें ऑयलिंग करना जरूरी है। ऑयलिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि वो लंबे समय के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, और वायर रैक पर हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे बंस सोगी ना हो जाएं। तो हमें किसी हार्ड सरफेस पर रखकर उसे ठंडा नहीं करना चाहिए, हमेशा वायर रैक्स पर ठंडा करना चाहिए। तो आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। पंखा बंद, पंखा चलता हुआ, पंखे चलते हुए के नीचे नहीं रखना, नहीं तो बंस सूख जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो रहने देते हैं ऐसे ही, ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑयलिंग करने के बाद सोया रिफाइंड ऑयल मैंने यूज़ किया है, आप ओलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। आधे घंटे के बाद इसकी कटिंग करेंगे एंड देन करेंगे फिलिंग। ओके, तो बन अभी तैयार हैं, ठंडे हो चुके हैं। अभी हम इसमें करेंगे इसकी कटिंग और उसके बाद करेंगे इसकी फिलिंग। कौन सी फिलिंग? याद है ना वो फिलिंग बनाई थी ना, फिलिंग, हाँ वही फिलिंग पाइपिंग बैग में डाल ली है। तो अभी इसको कट करते हैं, पहले बंस को 4 पार्ट्स में, नीचे तक कट नहीं करना है, फिलिंग उसमें फिल करेंगे, डिप करेंगे कोरिएंडर एंड बटर के लिक्विड में, और उसके बाद उसको फिर से एक बार बेक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो करते हैं प्रोसेस शुरू।
फिलिंग करने के बाद इन्हें डिप करेंगे हमारे कोरिएंडर और बटर के मिक्स के अंदर। लो जी, ये हमारा लास्ट बन गया है वापस से रीबेकिंग के लिए। अभी से करते हैं बेक 200 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 3 मिनट के लिए, उसके बाद झटपट तैयार खाने के लिए। कोरियन चीज बन बिल्कुल तैयार। जो खुशबू, जो अरोमा इसका आ रहा है ना, ऑलरेडी ऐसा लग रहा है बस उठाऊं और खा लूं। तो ये हमारे कोरियन चीज बन है तैयार। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करेंगे। बनता ही है, जितना मजा कोरियन ड्रामा को देखने का आता है ना, उससे ज्यादा मजा इसको खाने का आएगा, लिख के ले लो, गारंटी है मेरी। तो बनाइएगा जरूर इस रेसिपी को, याद रखते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।